तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फिनक्रॉप एप्लीकेशन को यूज कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी हीरो की बाइक फाइनेंस कराई है, तो यहाँ पर मैं हीरो की बाइक को मैंने भी फाइनेंस कराया है, तो मुझे सब कुछ मालूम है हीरो फाइनेंस मतलब फिनक्रॉप एप्लीकेशन के बारे में। तो सिंपली मैं इसे ओपन करूंगा, देन ओपन करने के बाद इसमें क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, तो ये देख सकते हो। यहाँ पर मेरी जो अब किस्त मुझे पे करनी है, जो MI पे करनी है, वो मुझे 7 नवंबर को पे करनी है, ठीक है। अभी मुझे कोई भी पे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई पे अभी करनी है या फिर ड्यू चल रही है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाती है। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ अभी कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पे एडवांस MI, इस पर आप कभी भी मतलब 1 MI पे एडवांस कर सकते हो। ज़्यादा पे एडवांस MI करते हो, जैसे 2-3 करते हो, तो उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपको MI तो पे कर दोगे, उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा एक रोस्टिंग चैनल है, प्लीज़ आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो द वकलैंडी शो, और ये सर्च में आ जाएगा फर्स्ट पर। आप जाओ वीडियो को चेकआउट करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। फ़ायदा ये होना चाहिए इसमें कि अगर आप ज़्यादा MI पे करना चाहते हो, तो उसमें ब्याज कम होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट कम होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनका क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी किस्तें पे कर दूँ, लेकिन ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, पे एडवांस MI पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं पे एडवांस MI पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर 1-2 कितनी MI आप पे करना चाहते हो, ठीक है। पे मोर MI पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मेरी अभी 7 MI पे कर दी मैंने, तो मेरी 30 थी, ठीक है। यहाँ पर मेरा ही बची है अभी 23 MI बची है, तो यहाँ पर मैं 23 पे क्लिक करूँगा, तो 23 का टोटल दे देगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ब्याज कोई मतलब नहीं भाई साहब, 23 पे कर दो बस भाई, क्यों कर दें, हमें भी पैसे की ज़रूरत है, हम उन पैसों को कहीं और लगा देंगे, बिटकॉइन में लगा देंगे, उन पैसों से पैसे कमा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 MI को ही पे करें, ठीक है, जिससे आपको चेक बाउंस चार्ज या फिर लेट पेनल्टी ना लगेगी, उससे ये बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे व्यू लोन समरी, इसमें क्या 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 मिलता है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो इसमें आप सब कुछ देख सकते हो कि आपकी टोटल MI कितनी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको 30 MI मतलब 30 MI मेरी टोटल है, एंड MI पेड मैं कितना कर चुका हूँ, कितनी दे चुका हूँ MI, 7 पे कर चुका हूँ, ठीक है। एंड अभी कितनी मुझे MI देनी है, 23, एंड जो मेरी 1 MI है वो है 4859 रुपये की। और अभी जो मुझे नेक्स्ट MI पे करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नेक्स्ट MI कब पे करनी है, वो 8 नवंबर तक पे करनी है। एंड मेरी लोन कितने रुपए की हुई है, वो भी आप इसमें देख सकते हो, मेरी 1,10,000 की लोन हुई थी, देन बाद बाकी का पैसा मैंने खुद पे किया था। तो जैसा आपने बाइक परचेस किया उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरी बाइक एक्सट्रीम थी, तो मेरी बाइक थोड़ी महंगी थी, इसलिए मेरा ये 1,10,000 का लोन हुआ है। एंड अब बात करते हैं हम व्यू ऑल पेमेंट्स की, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने किस मंथ में कितने पैसे पे किए हैं, आपको याद नहीं है कि मैंने कौन से महीने में कितने पैसे दिए हैं, मतलब ऐसा, तो किस्त को तो सभी को पता है इतने की किस्त है, लेकिन लेट पेनल्टी, चेक बाउंस चार्ज, ये जो मुझ पर लगते हैं वो मुझे पता है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने किस्त पे की है अक्टूबर में, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी किस्त तो 4859 रुपये की है, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा पे किया है। ये सब टोटल मुझे चेक बाउंस चार्ज लगा है, करंट मंथ ओवर ड्यू लगाया मैंने, ये किस्त पे की है कितने रुपए की अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, देन मैंने किस्त ये 5600 रुपए की पे की है 4800 रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 600-700 रुपए का पेनल्टी लगा है, एंड यहाँ पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने 7 किस्तें पे की हैं, 7 किस्तें कितने कितने रुपए में पे की हैं, जैसे 4859 की तो मेरी किस्त ही है, लेकिन ऊपर कितना चार्ज लगा है, जैसा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस्तें पे की हैं। कब से पे की हैं मैंने, अप्रैल से और अक्टूबर तक 7 किस्ते। तो इन सभी मंथ पे आप क्लिक कर करके देख सकते हो आपने किस मंथ में कितना पैसा पे किया है। किसी भी पे क्लिक कर लो, मैं सबसे लास्ट में क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट वाली किस्त मैंने जो पे की है, ठीक है। आपको मैं एक और ज़रूरी बात बता दूँ, कभी भी आप अपनी MI पे किसी के भी बैंक अकाउंट नंबर पर, किसी के भी फ़ोनपे नंबर, किसी के भी गूगल पे पेटीएम नंबर पर ना करें, ठीक है। जैसा मैं करता हूँ, मेरे अकाउंट से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट था HDFC का, तो मैं खुद ही पे करता हूँ, ठीक है। अगर आप पे करना चाहते हो तो पे एडवांस MI पे क्लिक करें डायरेक्ट। जैसे आप पे एडवांस MI पे क्लिक करोगे, तो आपको MI पे क्लिक, फर्स्ट MI पे क्लिक करना है, ठीक है। एक पे करना चाहते हो पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। पे ऑनलाइन जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही आप यूज़ करें, एंड यहाँ पर आप डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ई वॉलेट करोगे फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, नेट बैंकिंग में भी प्रॉब्लम होगी। UPI सबसे बेस्ट है, इससे बहुत ही आसानी से आप किस्त पे कर सकते हो। जैसे मैं उस पर क्लिक किया, एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी ऊपर नहीं करना है, ठीक है, सीधे UPI पे आना है, नीचे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे अपना UPI नंबर डाल देना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
ठीक है, @YBLEA मेरा हो गया UPI नंबर, ऐसा ही आपका भी होगा मोबाइल नंबर और लास्ट में @YBLEA UPI ID हो जाती है। एंड उसके बाद आपको पे पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे एक नोटिफिकेशन जाएगा फोन पे पे, देख सकते हो ऊपर आ चुका है पेमेंट रिक्वेस्ट हीरो फन ग्रुप लिमिटेड, आपकी लोन ID पर ये पैसे पे हो जाएंगे। जैसा कि मैं इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करूँगा ये मैं फोन पे एप्लीकेशन में पहुँच जाऊँगा। सिंपली आपको अंगूठा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको पे पे क्लिक करना है जी, ठीक है। जैसे आप पे पे क्लिक करोगे सेंड पे क्लिक करना है, सेंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको UPI पिन डाल देना होगा, ये किस्त आराम से पे हो जाएगी और आराम से आपके फाइन क्रॉप एप्लीकेशन में जुड़ जाएगी। लेकिन कभी भी आप किसी के भी फोन पे गूगल पे पेटीएम में पैसों को न डालें, ठीक है, आपका सिबिल ख़राब होगा, सब कुछ बर्बाद होगा, ठीक है।